नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। किसानों के आंदोलन के 28वें दिन भी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। किसान पूरी तरह से कृषि कानूनों को रद्द चाहते हैं। किसान नेताओं ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके आंदोलन को हल्के में न लिया जाए। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कहा कि सरकार आग से न खेले। किसानों के अड़ने के बाद केंद्र सरकार भी लगातार किसानों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार किसान नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने कृषि कानून को जायज बताया। 25 दिसंबर को पीएम मोदी किसान चौपाल के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों को सम्मानित भी किया है। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। 28वें दिन भी आंदोलन जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौपाल के जरिए एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसानों को नए सिरे से प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने की तैयारी सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार अलग अलग किसानों के संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो सरकार की तमाम कोशिशें सड़कों पर डटे किसानों को मनाने में नाकाम साबित हो रही। आज एक बार फिर किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद जल्दी बातचीत की उम्मीद लगाए सरकार को झटका लगा है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और साथ ही आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के दो मतलब हैं, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे, तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में एक क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ मैं कहा कि इतना हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया तो अभी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया, लेकिन सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को लेकर किसानों की लंबी मैराथन बैठक चली। उस बैठक के बाद उन्होंने सीधे सीधे तौर पर प्रस्ताव को नकार दिया। दो टूक किसानों ने कहा कि हम अपनी मांग पर कायम हैं। जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है उन तीनों कानूनों को सरकार को रद्द करना पड़ेगा। ठोस प्रस्ताव अगर सरकार की तरफ से आता है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार होंगे, ये भी किसान कह रहे हैं। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि सरकार उनके आंदोलन को हल्के में कतई ना ले। उन्होंने कहा है कि हम तिकड़म नहीं चाहते, हम सरकार से हल चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन को और तेज करने को भी तैयार हैं। दूसरी तरफ सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों के साथ संवाद की बड़ी तैयारी की है। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसान चौपाल करेंगे और कृषि कानून की खूबियां किसानों को
पीएम मोदी खुद बताएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर लेकर जाएंगे, जिसमें सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है वो बात किसानों तक पहुंचाने की तैयारी सरकार और बीजेपी दोनों ने की है। यूपी के 2500 किसानों के साथ पीएम की चौपाल होगी और 2500 जगहों पर ही किसान संपर्क अभियान भी चलाने की तैयारी सरकार ने की है। और पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ जुड़ेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की किसान निधि जारी करने की तैयारी सरकार ने की है। करीब 9 करोड़ किसान परिवारों में प्रति परिवार 2000 रुपए सरकार रिलीज करेगी 25 दिसंबर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर। तो एक तरफ किसान है जो तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ किसानों को मनाने की सरकार की सारी कोशिशें लगातार चल रही हैं। अब 25 दिसंबर को पीएम की चौपाल होगी। एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। आज किसानों को लेकर सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ देने की बात कही गई। वहीं बीजेपी ने किसान आंदोलन को लेफ्ट की एक बड़ी साजिश बताया। हाउ द लेफ्ट इज ट्राइंग टू हाईजैक The किसान आंदोलन फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं। आज किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान नेताओं ने एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौटने की सरकार की अपील ठुकरा दी। मौजूदा प्रस्ताव को लेकर किसानों ने साफ कह दिया इस पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। इसके पहले किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ।
आपको दिखाते हैं किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की वार्ता का पूरा हिसाब किताब क्या रहा। बोला का लीक के देंगे, तो हमको लीक के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है, हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। 8 दिसंबर की रात किसानों और सरकार के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। सरकार की ओर से टेबल पर थे खुद गृह मंत्री अमित शाह, सामने थे किसान संगठनों के 13 नेता। देर रात चली बातचीत के बाद किसानों को नए कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव देने की बात कही गई, जिसके बाद अगली सुबह यानी 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत टाल दी गई। अगली सुबह सरकार का प्रस्ताव भी आया, किसानों ने मंथन किया और इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। बीजेपी के नेताओं का भारतीय स्तर पर सभी का घेराव करेंगे, उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश की टीम किसानों को समझाने में नाकाम रही। अपनी मांग पर अड़े किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। 3 दिसंबर को 4th दौर की बातचीत में किसानों की नाराजगी की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 7 घंटे से भी ज्यादा की मैराथन बैठक के दौरान लंच भी हुआ, शाम का चाय नाश्ता भी हुआ, लेकिन किसानों ने सरकार की ओर से मंगवाए गए खाने और चाय को हाथ भी नहीं लगाया। विज्ञान भवन में गुरुद्वारे से खाना आया और जमीन पर ही किसान नेताओं ने पंगत लगाई। पंजाब हरियाणा से रवाना हुए हजारों किसान जब दिल्ली को चारों ओर से घेर कर बैठ गए, तब कृषि मंत्री तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश को बातचीत की कमान सौंपी गई। 1 दिसंबर को 3रे दौर की बैठक में तीनों मंत्रियों ने करीब 3 घंटे तक किसान नेताओं से बातचीत की। सरकार ने किसानों को एक छोटी कमेटी बनाकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान नेताओं ने तुरंत ही ठुकरा दिया। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है, सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। किसानों के दिल्ली कूच से पहले ही बातचीत के 2 दौर हो चुके थे। 14 नवंबर को 2रे दौर में कृषि मंत्री तोमर और पीयूष गोयल ने 17 घंटे तक किसानों से चर्चा की। इस बैठक के बेनतीजा रहने के बाद ही किसानों ने दिल्ली घेरने की रणनीति बनाई। संसद से कृषि कानून पास होने के बाद देश भर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इसी माहौल में 14 अक्टूबर को किसान नेता पहली बार बातचीत की टेबल पर आए, लेकिन किसान नेता इस बात से खफा थे कि उनसे चर्चा के लिए कोई मंत्री नहीं आया, बल्कि कृषि सचिव को भेज दिया गया, लिहाजा किसानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने आज किसान आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेफ्ट पार्टी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल में एपीएमसी का मुद्दा उठाया और साथ ही बंगाल में भी लेफ्ट पर किसानों को बर्बाद कर देने का आरोप लगाया। जो स्कैम टेंटेड केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वो इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेष्टा कर रहे थे, मगर पिनरई विजयन जी को ये उत्तर देना चाहिए और तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको ये उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। नो एपीएमसी लॉ इन केरला, केरला में एपीएमसी का कानून नहीं है। और आप इन वामपंथियों को देखिए, इनके दोगलेपन को देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में एपीएमसी कानून को लेकर एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मोदी जी एपीएमसी को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंडी को रिफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑप्शन दिया है मंडी से बाहर का, किंतु मंडी बंद नहीं हो रही है, वहीं जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। इसका जवाब द स्कैम टेंटेड मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर पिनराई विजयन शुड कम फोर्थ विद, ही शुड गिव। 28 दिन से किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे, जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे बॉर्डर पर इंतजाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि महीने भर से सड़क पर डटे किसानों के रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसे चल रही है। किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे तब माहौल अलग था, अब करीब महीने भर बाद माहौल एकदम अलग है। दिल्ली ठंड से कड़कड़ा रही है और खुले आसमान के नीचे दिन रात धरना दे रहे हैं किसान। ऐसे में दिल्ली के गुरुद्वारों से आंदोलनकारियों के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया गया है। इसके लिए देसी तकनीक वाले वाटर हीटर धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। इस तरह का जुगाड़ वाला हीटर पंजाब के ज्यादातर घरों में होता है। कंबस्शन होगा सेंटर वाले पोर्शन में और आउटर सर्कल में जो है वो पानी रहता है, तो उसमें लकड़ी से वो गर्म होता रहता है और जो आप कीप देख रहे हैं कीप में से पानी डाला जाता है, जो आउटलेट है वहाँ से गर्म पानी निकलता है। सर्दी से बचने के लिए सिंघू बॉर्डर पर एक और इंतजाम है। धरना स्थल पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए टेंट की पूरी बस्ती बना दी गई। बारिश का जो पानी है इस टेंट के अंदर नहीं घुसेगा। सांस आप देख सकते हैं, यहाँ से सांस लेने की पूरी पूरी जगह यहाँ से दी गई है और बारिश इससे अंदर नहीं घुसेगी और ठंड से भी प्रॉपरली इस ये टेंट आपको बचाएगा। तो करीब 180 से 200 टेंट यहाँ सिंघू बॉर्डर पे सेटअप किए गए हैं। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं रातों को, दिन में आप लोग किस तरीके से झेल रहे हैं ये ठंड जो है अभी दिल्ली की? सानू ठंड नहीं लगती है जी, सानू तो आया जी असी तो ना सानू रड़े मैदान च बैठे भी साढ़े हक वापस मिल जाए, सानू साढ़े हक मिल जाए, सानू सानू ठंड की परवाह नहीं है। ठंड की परवाह नहीं है, बस हक मिल जाए। हाँ जी, कोई परवाह नहीं सानू। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर जमा किसान भी मौसम के सख्त तेवरों के बावजूद अपनी जगह पर डटे हुए हैं। अलाव और चौपाल के सहारे सर्द रातें इस उम्मीद में काटी जा रही हैं कि सरकार उनकी मांग कभी तो मानेगी, लेकिन महीने भर बाद सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों ने दूसरे तरीके भी अख्तियार किए हैं। हाईवे के बीचों बीच किसानों ने यज्ञ हवन किया इस उम्मीद से कि ऊपर वाला ही सरकार को मना ले। दिल्ली से निशा माथुर, तनुश्री पांडे और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और किसान आंदोलन पर यूपी के सीएम भी काफी मुखर हैं। किसान सम्मान दिवस पर योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हाल में किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना, और भाइयों बहनों किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि MSP समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है MSP के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, MSP का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।